कुछ ऐसी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम की, यहाँ पर जलजमाव की क्या स्थिति है वो तस्वीर जरा देखिए, कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है पूरे इलाके में, और ऐसे में आम लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसका अंदाज़ा आप साफ तौर पर लगा सकते हैं। एक तरफ ट्रैफिक जस के तस सरक रही हैं गाड़ियां, और दूसरी तरफ जलजमाव की स्थिति जो लोगों को परेशानी में डाले हुए है। ये देखिए एक साइकिल वाला जिसने कोशिश की यहाँ से पानी से निकलने की, लेकिन बैलेंस उसका बिगड़ा और पानी में गिर गया। और इसी तरीके के जल जमाव की स्थिति से ज़्यादातर लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, जहां गाड़ियां ख़राब हो जा रही हैं, गाड़ियां पानी में फंस जा रही हैं, और किसी तरीके से ऑफिस जाने की कोशिश में लोग लगे रहे, लेकिन आज बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ा है। दो दिन की लगातार बारिश में किस तरह से जल जमाव की स्थिति पूरे दिल्ली NCR में देखने को मिल रही है वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, हर जगह से ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है जहां पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि मौसम विभाग ने भी इस बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। सबसे बड़ी बात कि मॉनसून में भी इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी। और ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये दिल्ली के धौला कुआं की तस्वीर है, जो सबसे ज़्यादा बिजी रूट माना जाता है, ख़ासतौर पर दिल्ली और गुड़गांव से कनेक्ट करने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है। सीधा रुख करेंगे, मेरे सहयोगी विमल कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विमल, अभी क्या आलम है ट्रैफिक का, बारिश से लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है? देखिए हालात वही हैं जो सुबह 8 बजे से बने थे, और अब आप समय देख सकते हैं 11 बजे से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी गाड़ियां रेंग रही हैं। जगह जगह ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि स्थिति बेहद ख़राब है। ये तिलक ब्रिज है, आप देख सकते हैं यहाँ से कंडीशन क्या है। नीचे तिलक ब्रिज के नीचे जो है भारी जल जमाव है, जिसके चलते गाड़ियों की लंबी कतारें, और ITO से लेकर दिल्ली गेट का जो इलाका है करीब 2-2.5 किलोमीटर है, यहाँ वहीं से लोगों को गाड़ियों को रेंग कर यहाँ तक पहुँचना पड़ रहा है। कई घंटे लग गए, 2-2 घंटे से लोग एक ही जगह पर खड़े हुए हैं। और ये इलाका, चलो ये कहा जा सकता है कि निचला इलाका, इसलिए पानी भर गया तिलक ब्रिज के नीचे, लेकिन जो VVIP इलाके हैं, लुटियन जोन के इलाके हैं, वहाँ पर भी ज़बरदस्त जल जमाव है। और ये कहा जाता है कि सिविक एजेंसी जो है पूरी तरह से फेल है, जिस तरीके से आज बरसात हुई उससे निपटने, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है। जगह जगह पंप लगे हुए लेकिन नाकाफी है। यहाँ पर भी अगर तिलक ब्रिज की बात करूँ तो यहाँ पर भी पंप सेट लगातार लगे हुए हैं, सुबह से ही काम कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से नाकाफी है। नतीजा आपके सामने है कि कंडीशन क्या है, लोगों की हालत बेहद ख़राब है, सुबह से ही परेशान है बारिश के चलते, और कई घंटों में जाम में फंसने के बावजूद भी वो अभी तक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे, अभी तक अपने दफ्तरों तक नहीं पहुंचे हैं, और लगातार पुलिस को भी मशक्कत करनी पड़ रही है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी किस तरीके से ट्रैफिक को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी उनके पास भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं है क्योंकि एक ही लेन से लोग गुजरना चाहते हैं, पानी पूरी तरह से भरा हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बीच से निकलेंगे तो उनकी गाड़ियां ख़राब हो जाएंगी, उन्हें धकेलते हुए अपनी गाड़ियों को ले जाना पड़ेगा और आगे का रास्ता वो तय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उनकी मजबूरी है कि किसी तरीके से रेंग रेंग कर ही सही गाड़ियाँ निकले तो सही यहाँ से। जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि क्या हालात हैं इस वक्त तिलक ब्रिज से। हम आपके पास विमल लौटेंगे, और ये देखिए धौला कुआं की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ना सिर्फ ब्रिज के नीचे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश थमे तो निकलें, खासतौर पे जो 2-व्हीलर्स पे सवार लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, बल्कि कुछ गाड़ियाँ तो पानी में फंसी हुई हैं, और आप देख सकते हैं कि कोशिश की जा रही है गाड़ी को निकालने की, लेकिन यहाँ पर जल भराव इतना ज़्यादा है कि बहुत ही दिक्कत पेश आ रही है लोगों को। विमल हमारे साथ बने हुए। विमल, सवाल ये भी है कि अगर पंप्स लगाए गए हैं पानी निकासी के लिए, तो प्रशासन की तैयारियों पर तो सवाल उठते हैं ना, कि 2 दिन की बारिश और अभी भी हालत जस के तस। जी बिल्कुल, और केवल ये 2 दिन की कहानी नहीं है, ये हर साल की कहानी है। हर साल जब भी ऐसी तेज बारिश होती है अमूमन हालत वही होते हैं। देखिए पंप मैं आपको दिखाऊंगा एक बार फिर से, पंप सेट लगे हुए हैं लेकिन उसके बावजूद भी पानी पूरी तरह से नहीं निकल पा रहा है। क्या रीज़न है, क्या कोई सिविक एजेंसी इस पर गौर करती है कि आखिर क्या रीज़न है कि जरा सी बारिश के बाद ही हालात ऐसे हो जाते हैं कि जगह जगह जल जमाव हो जाता है। जिन खास बीच में, हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से दावा भी किया गया था कि कई ऐसे इलाके हैं जिनकी पहचान की गई और वहां पर काम किया जा रहा है कि वहां पर दोबारा जल जमाव ना हो,
लेकिन वो काम जो है वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कंडीशन आज वाकई में बेहद खराब है। हालांकि ये जरूर कहा जाएगा कि सुबह से ही बारिश बहुत ज्यादा बारिश हुई, रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है ये कहा जाएगा, लेकिन प्रशासन को जब ये तमाम जानकारियां थी, मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट दिया गया था कि 2-3 दिन बारिश होगी, तो इससे निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए थे ये देखकर तो नहीं लगता कि कोई खास इंतजाम होंगे, और इंतजाम थे तो वो पूरी तरह से नाकाफी हैं। और ये निचले इलाकों की बात है, लेकिन वीवीआईपी इलाके भी आज पूरी तरह से अछूते नहीं है, वहां पर भी जगह जगह जल जमाव की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो वाकई में सवाल खड़े करते हैं कि अभी दिल्ली में काफी कुछ किया जाना बाकी है। जो दावे और जो वादे हैं उनको वाकई में धरातल पर उतारने की जरूरत है, क्योंकि कंडीशन आज दिल्ली वालों की बहुत ही बुरी है। सुबह से ही कई घंटे उन्हें हो चुके हैं, अभी तक अपने डॉक्टरों में नहीं पहुंचे हैं, और आगे भी उन्हें उम्मीद नहीं कि कितनी देर और अभी उन्हें इस जाम से और इस वाटर लॉगिंग से जूझना पड़ेगा।